हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका रेडिएंट जोन की इस गवर्नमेंट सीरीज में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो आपके या तो प्री के पर्पस हो या मेंस के पर्पस से, आज के इस योजना का नाम क्या है? खादी गाँव परियोजना। आज के इस योजना का माध्यम क्या है, नाम क्या है? खादी गाँव परियोजना। तो आइए इस योजना के माध्यम से हम ये समझे कि कौन सी उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो खादी गांव परियोजना जो स्टार्ट की गई थी, तो खादी गांव परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 15 फरवरी 2017। खादी गांव परियोजना की शुरुआत 15 फरवरी 2017 को हुई थी। और किसके द्वारा हुआ था ये, किसके द्वारा हुआ था? तो खादी और ग्रामोद्योग यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई। तो आपको यहां पे पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों, आपको ये पॉइंट रखना है, प्री के पर्पस से आपको याद रखना है कि खादी गांव परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 15 फरवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब जो ये उद्योग है ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये जो उद्योग है वो MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये छोटे और मझोले उद्योग का जो मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये जो है खादी और ग्राम उद्योग आयोग काम करता है। और इसी के द्वारा खादी गांव परियोजना की शुरुआत की गई थी, और शुरुआत की गई थी 15 फरवरी 2017 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इतना जानने के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि खादी गांव परियोजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी, यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम। तो इस परियोजना की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना की शुरुआत का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ा दिया जाए, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण गरीबी को कम किया जाए, और गांवों से जो शहरों की तरफ जो जनसंख्या पलायन कर रही है उसको रोका जाए। क्योंकि शहरों में जब गांवों की जनसंख्या पलायन करती है, वहां जाती है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का भीड़ इकट्ठा होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जल कैसे मुहैया हो, यानी लोग जो हैं, होता क्या है दोस्तों, सिंपल सी अगर हम आपको बात बताएँ तो यदि वर्तमान की परिस्थितियों को देखा जाए तो गाँवों में जो रोज़गार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। गांव में जो रोजगार मिलना चाहिए, जिस तरीके का रोजगार मिलना चाहिए, जो इनकम होनी चाहिए लोगों की, गांव के लोगों की, वो गांवों में नहीं मिल रहा है। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का औद्योगिक धंधों का अभाव है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग पैसे की चाह में, पैसे कमाने के लिए, रोजगार पाने के लिए वो क्या चीज, वो गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो जब गांवों से शहरों की ओर पलायन कर जो जनसंख्या जाती है शहरों में, वहां पे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उन सारी जनसंख्या को कैसे रहने की व्यवस्था दिया जाए, जल की समस्या कैसे दिया जाए, भोजन हो गया, ये सारी वगैरह, ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यदि हम, यदि ये कहा जाए कि यदि हम उस जनसंख्या को जो गांवों से शहरों की तरफ जा रही है और जिस वजह से जा रही है उसको गांवों में ही हम रोक ले, वो सारी सुविधा गांवों में ही मुहैया करा दे जो शहरों में मिलता है, तो गांवों से जो शहरों की जनसंख्या जा रही है वो नहीं जाएगी। तो यानी यहां पर इस योजना के माध्यम से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति गई है। इस योजना के माध्यम से क्या चीज, जो ग्रामीण जनसंख्या, जो गाँव के लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें छोटे और मझोले, उन्हें जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनसे संबंधित कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वो हर सारी सुविधा वो गांव में ही दी जाएगी, जो वो जिसके कारण वो अच्छा खासा इनकम यानी आय अपना कमा सके। तो जब गाँव में ही सारी सुविधा मिल जाएगी तो वो शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, और उनकी आय में वृद्धि होगी, तो यानी ग्रामीण गरीबी क्या होगी, कम होगी, और उन्हें रोजगार मिलेगा तो ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो भी कम होगी।
तो इस योजना के माध्यम से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ पे कर दी गई है। तो खादी गांव परियोजना का जो मेन उद्देश्य क्या है, वो क्या है, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। जब गाँव में काम मिल जाएगा तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीबी, जब सारे लोग काम करेंगे और वो कमाने लगेंगे तो ग्रामीण गरीबी भी दूर होगी। और मेन उद्देश्य जो है गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकना, ठीक है ना। तो गांव में काम मिल जाएगा, कमाने का जरिया मिल जाएगा, तो हमें शहर जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। और इसके कारण, और जब ये सारी चीजें होंगी तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे आइए कि वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया क्या है जो खादी गांव परियोजना के माध्यम से गांव के व्यक्तियों को सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत छोटे उद्योग उपकरण ग्रामीणों को दिए जाएंगे, यानी इस परियोजना के माध्यम से, खादी गांव परियोजना के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग का जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो इच्छुक व्यक्तियों को जो काम करना चाहते हैं, इच्छुक व्यक्तियों को क्या चीज, वो मुहैया कराया जाएगा। अब वो छोटे और मझोले या कुटीर उद्योग वो किस प्रकार के होंगे, तो जैसे चरखा होगा जो सूत काटा जाता है, तो चरखा होगा, मोमबत्ती उद्योग होगा, मोमबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, बेकरी उपकरण है, मिट्टी के बर्तन है, मधुमक्खी पालन है। इन सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो गांव में बड़े आराम से किया जा सकता है छोटी सी लागत में, वो सारा चीज़ मुहैया कराया जाएगा, उपकरण मुहैया कराया जाएगा, और उन सारे व्यक्तियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे इसको चलाया जाए, कैसे किया जाए। और ये सारे चीज़ों को मुहैया कराकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ हमने कहा कि सभी कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए उन सारे व्यक्तियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा, और साथ ही साथ गांव के लोगों द्वारा तैयार किए गए जो उत्पाद हैं, अब जब लोग बनाना सीख जाएंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्शन करना सीख जाएंगे इन सारी चीज़ों का, जो मोमबत्ती वगैरह है, जो ये छोटी छोटी चीज़ जो है, चरखा, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बेकरी, इन चीज़ों का उत्पादन करना जब शुरू कर देंगे, तो एक समस्या वहाँ पे उत्पन्न होगी कि इनको कैसे अच्छे दामों पर बेचा जाए। तो यहाँ भी इस योजना के माध्यम से उस चीज़ को क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो देखिए, गांव के लोगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो सामान का उत्पादन होगा उसको बाजार तक कैसे पहुँचाया जाए, गांवों में ही विक्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। गांव में ही सरकार द्वारा क्या चीज़, विक्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो इसके अंतर्गत उत्पादित सामान होगा। तो जब गांव में ही बनेगा, गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, गांव में ही इनकम हो जाएगा, गांव में बेच ही देंगे, तो फिर यहां पर गांव जो है वो संपन्न हो जाएगा और शहर जाने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहां पर समझना क्या चीज़ है कि ये एक बहुत बड़ी योजना है और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो कि हमारे देश के विकास के, समावेशी विकास के लिए और धारणीय विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब लास्ट में देखिए, इसमें विशेष क्या है, इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य से, इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य से 5 गांवों का चयन किया जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पस से। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य से 5 गांवों का चयन किया जाएगा तथा 1 वर्ष में उन्हें खादी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी प्रत्येक राज्य से 5 महत्वपूर्ण गांवों को यहां पर क्या चीज, चयनित किया जाएगा, और वहां पर एक एक व्यक्तियों को, जो इच्छुक व्यक्ति है, प्रशिक्षित किया जाएगा, और 1 वर्ष के अंतर्गत उस गांव को खादी गांव के रूप में क्या चीज, विकसित किया जाएगा। यह योजना आगे क्या चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह योजना रोजगार प्रदान करने के साथ साथ, यानी खादी गांव परियोजना जो है, जो योजना है, यह रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ये क्या चीज, ग्रामीण कारीगरों को अपने कौशल प्रदर्शन करने के लिए, आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांवों में, कुछ महत्वपूर्ण गांवों में, वहां पर कोई ना कोई विशेष कार्य होता है, तो ये इस योजना के माध्यम से वहां के जो व्यक्ति हैं, उन ग्रामीण जो व्यक्ति हैं, उनको अपना कौशल प्रदर्शन यानी हुनर दिखाने का एक मंच मिलेगा, और उस मंच का प्रयोग करके वो अपना विकास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और जब गाँवों का विकास होगा तो देश का भी विकास जरूर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर,
इस योजना के माध्यम से विशेषकर जो फायदा होगा वो किनको होगा, महिलाओं की आय का वैकल्पिक स्रोत मिल जाएगा, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि काम करने के लिए जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो जब गांव में हूँ उन महिलाओं को अपने हुनर दिखाने का मौका मिल जाएगा और काम करने का एक मंच मिल जाएगा, तो गांव में ही काम करेंगे, इन छोटे छोटे काम जैसे अगरबत्ती उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, मधुमक्खी पालन वो करेंगी और उनकी आय का एक बड़ा स्रोत हो जाएगा। और जब उनके पास आय होगी, आर्थिक ताकत होगी, तो वो सशक्त होंगे। यानी एक परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी, महिलाओं का सशक्तिकरण, गाँवों में पलायन को रोकना, इन बहुत सारे उद्देश्यों की यहाँ पूर्ति कर ली जा रही है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के नजरिए से। तो आशा करता हूं यह योजना आपको बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा और आप एक एक चीज यहां पर प्रेम से पढ़िएगा, चिंतन करिएगा और फिर अपने बुक में, अपने जो कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली गवर्नमेंट स्कीम में। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।